वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में दूसरी बार लगाए गए लॉकडाउन की शुरुआत सुबह के सन्नाटे से हुई। राजधानी की तमाम सड़कें वीरान हैं। इक्की दुक्की वाहनें ही सड़कों पर दिख रही है। पटना के 114 कंटेनमेंट जोन के लोग भी सहमे सहमे हैं। भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर पूरे महीने रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें, लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है, जो कि 15 दिनों तक रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। इस दौरान कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, यातायात आदि सभी को लेकर तैयारियां की गई हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती रहेगी। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। तो चलिए जानते हैं पटना समेत सूबे में लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। बिहार में आज से कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, लोगों से जरूरत से जुड़े सामान जैसी सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि को लेकर छूट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा गया है। आपको बता दें, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क, नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, सभी बैंक, आईटी सर्विस को छूट रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन से राहत मिलेगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से संबंधित लोगों को छूट दी गई है। औद्योगिक संस्थानों को भी लॉकडाउन में खोलने की अनुमति रहेगी। आपको बता दें, लेकिन इस दौरान उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत है। कोविड-19 को रोकने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी, जिससे स्टाफ को कोई परेशानी नहीं हो। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। राशन की दुकानें, खाने पीने का सामान, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट रहेगी। हालांकि प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए होम डिलीवरी को लेकर जरूर कदम उठा सकता है, जिससे लोग कम से कम संख्या में बाहर निकले। गाइडलाइन के मद्देनजर हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट का संचालन जारी रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि का भी बिहार में संचालन जारी रहेगा। परमिशन लेने पर निजी वाहनों का भी पूरे बिहार में आवागमन जारी रहेगा। सरकारी कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को अपने घर से कार्यालय या जहां भी सेवा देनी है वहां तक जाने की अनुमति होगी। निर्माण कार्य से जुड़ी एक्टिविटी को इस लॉकडाउन में छूट दी गई है। कृषि से जुड़े कार्यों को भी लॉकडाउन में छूट रहेगी। शिक्षा, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग में जुड़े संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग में छूट रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक अनुष्ठान को लेकर लोगों को एकजुट होने की मनाही रहेगी। कमर्शियल और प्राइवेट संस्था लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ जुड़े रहिए।